हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सैंडविच बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो हमने गाजर और खीरा बहुत बारीक कद्दूकस कर लिया है। इधर हमने धनिया और टमाटर बारीक काट लिया है। इधर हमने शिमला मिर्च लिया है, वो भी बारीक कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल में सभी चीज़ें हम इस तरीके से एक साथ रखेंगे। ये देखिए, अब इसमें सभी चीज़ें हम एक साथ रख लिए हैं। दरबरा लाल मिर्च हल्का सा ऐड करेंगे। दो चम्मच हम लेंगे इसमें मेयोनीज। हमने दो चम्मच लिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसको हम चम्मच से इस तरीके से पेस्ट बना के रख ले रहे हैं। इधर हम ब्रेड लिए हैं, तो ब्रेड में हल्के हाथों से हम चम्मच के सहारे हम बटर लगा ले रहे हैं सभी ब्रेड में। ये बटर लग गया है। तो हम घर की चटनी ग्रीन लिए है, तीखी बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से हम चटनी बराबर लगाएंगे। देखिए, ये देखिए चटनी, अब इसमें भी हम लगा लेते हैं। ये चटनी हमारी लग गई है, रेडी हो गई। अब इसमें हम जो पेस्ट तैयार किए हैं उसको हम चम्मच से बराबर फैला लेंगे। बराबर लगा लिए हैं इसको। ये ब्रेड में भी हल्का सा हमने बटर और चटनी लगा दिया है। इसको इस तरीके से ऊपर से हम चिपका के रख रहे हैं। अब इधर हम पैन रख दिए हैं, गरम हो रहा है। इसमें हल्का सा बटर लगाए हैं। इसको हल्का सा हम सेकेंगे दोनों तरफ। तो हमको लो गैस पे सेकना है, गैस नहीं तेज करना है। देखिए, ये 5 मिनट में बनके रेडी हो जाता है बच्चों का सैंडविच। ये देखिए, एक तरफ सेक गया है, ये दूसरी तरफ हम सेकेंगे। ये देखिए, सैंडविच हमारा बन के रेडी हो रहा है। अब हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में इस तरीके से हम सैंडविच रख रहे हैं। देखिए, ये हमारा बन गया है। अब हम चाकू से भी इससे कट कर ले रहे हैं। ये सैंडविच देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है। बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। अब मेहमान आए तब भी 5 मिनट में बना सकते हैं इसके घर की ही चीज़ों से। ये सैंडविच बहुत जल्दी ही बन जाता है, बहुत ही टेस्टी हेल्दी होता है ये। अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।